Good morning, class KG students. So today I'm here to take your class, okay? Science on science subject, okay? So आज हम मैं आपको science subject के बारे में पढ़ाने वाले हूँ, ठीक है? और science के अंदर में क्या क्या होता है, जैसे कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ओके? तो थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू थिंग्स जो है हमारे आसपास जितने भी सारे सामान है, थिंग्स है, दिज आर डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स, ओके? टू काइंड्स आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स और क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स. दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, वो क्या है? नंबर वन इज लिविंग थिंग है और सेकेंड जो है नंबर टू नॉन लिविंग थिंग्स, ओके? सो पहले हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के बारे में. सो लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स मतलब क्या, ओके? सो लिविंग थिंग्स मतलब थिंग्स विच कैन ग्रो, विच कैन ब्रीथ, रिप्रोड्यूस, ओके? जो चीज़ें ग्रो करता है, बढ़ते हैं, सांस ले सकते हैं, विच कैन रिप्रोड्यूस, ओके? लाइक मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, प्लांट्स. मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, हम लोग जो है क्या करते हैं, वी कैन ब्रीथ, हम सांस ले सकते हैं, वी ग्रो, हम लोग ग्रो करते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज, है कि नहीं? एनिमल्स भी क्या है, उन्हें भी सांस लेने के लिए, जीने के लिए सांस लेना पड़ता है कि नहीं? दे नीड एयर टू ब्रीथ, ओके? टू ग्रो अगेन, वो भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दे ईट फूड. लाइक वी ह्यूमन बींग, हम लोग भी क्या करते हैं जीने के लिए, टू लिव वी ईट फूड, इजंट इट? हम लोग सुबह, दोपहर को, शाम को, इवनिंग टाइम, अगेन रात को क्या करते हैं, वी ईट, इजंट इट? हम लोग खाना खाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें जीने के लिए खाना ज़रूरी है, फूड इज इम्पॉर्टेंट, इजंट इट? सो लाइक एनिमल्स को भी ज़रूरत होता है, बर्ड्स, फिश, प्लांट्स, पेड़ पौधा जो है, प्लांट्स है, जो ट्रीज है, फ्लावर प्लांट है, इन्हें भी अगर आप फ्लावर प्लांट को या फिर कोई ट्री को आप लोग पानी नहीं दोगे, प्लांट्स को पानी नहीं दोगे तो वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? वो मर जाएगा सूख के, है कि नहीं? सो प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव, टू ग्रो, इजंट इट? अगेन फिश को भी पानी में रहते हैं, अगर आप उसको पानी से निकाल दोगे वो मर जाएगा, है कि नहीं? सो ऑल दिस लिविंग थिंग्स, मैन, एनिमल, बर्ड, फिश, प्लांट्स, ये जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं, ओके? बर्ड्स, जितने सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, सबको जीने के लिए दे नीड एयर, वाटर, है कि नहीं? दे ग्रो, वो जो बड़ा होते हैं दे ग्रो, दे नीड, दे ईट फूड, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अभी हम लोग क्या है, वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इधर से उधर जा सकते हैं कि नहीं? और बर्ड्स भी दे फ्लाई हियर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स भी इधर उधर जा सकते हैं कि नहीं? क्यों जा सकते हैं? क्योंकि ये सब लिविंग थिंग्स है, इसलिए इन्हें लिविंग थिंग्स कहा गया है, अंडरस्टूड? सो लिविंग थिंग्स आपको सब लोग को समझ में आया है? लिविंग थिंग्स आर थिंग्स दैट कैन ग्रो, दैट कैन मूव, दैट कैन रिप्रोड्यूस, ओके? सो ये सब चीज़ें जो है, थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स, मैन, एनिमल, बर्ड्स, फिश, प्लांट्स, सब लोग क्या है, दे कैन ग्रो, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लेकिन यह नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स जो है, दिस थिंग्स दे कैन नॉट मूव, वो इधर से उधर नहीं जा सकते. अगेन दे डोंट नीड फूड, ओके? दे डोंट नीड फूड टू ग्रो, दे डोंट नीड एयर टू ब्रीथ, अंडरस्टूड? सो नॉन लिविंग थिंग्स जो है, इन्हें लाइक लिविंग थिंग्स, फूड, एयर, वाटर, ये सब की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये मरा हुआ है कि नहीं? नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ ये सब की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि बैट, बॉल, प्लेट, बैग, पेंसिल, ओके? जैसे कि ये चौक आप लोग देख रहे हैं, ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग. आप लोग जो बुक से पढ़ते हो, पेंसिल से लिखते हो कि नहीं, रबर, इरेजर, शार्पनर, स्केल,
फिर टेबल डेस्क, आप लोग क्लास में बैठे हो, कहाँ में बैठे हो, डेस्क बेंच है कि नहीं, ये सब चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। व्हाई नॉन लिविंग थिंग्स, क्यों नॉन लिविंग थिंग्स कहा गया है, क्योंकि इन सब चीज़ों को क्या क्या नहीं चाहिए, दे डोंट नीड फूड एंड दे के नॉट मूव, एक जगह से एक जगह जा सकता है नहीं, एक चेयर जो यहाँ पे रखा, चेयर चेयर को आप यहाँ से वहाँ ले जाते हो कि नहीं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम लोग एक जगह से एक जगह ले, वो खुद अपने हिसाब से मूव नहीं कर सकता है कि नहीं, हमारे हेल्प से हम खुद उस एक चेयर को इधर से इधर रख सकते हैं, ठीक है। अगेन बॉल बैट बॉल ये सब क्या है, सब दिस थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, समझ में आया है आप लोग को, लिविंग थिंग्स जो है ये दिस लिविंग थिंग्स ये क्या कर सकते हैं, दे कैन ग्रो, वो बढ़ते हैं, ठीक है। अभी एक ऐप यहाँ पे एक पौधा हम लोगों ने लगाया है कि नहीं, छोटा पुली लगा है, ये धीरे धीरे एक धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एक 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 दिन ये बढ़ते जाएगा है कि नहीं, बड़ा होते जाएगा, फिर यहाँ पे फ्लावर आते रहेंगे कि नहीं, एक एक दिन ये बढ़ता है, क्यों, बिकॉज दीज आर ऑल लिविंग थिंग्स, दे कैन ग्रो बाय देमसेल्फ है कि नहीं। लेकिन बैट बॉल, ये जो बैट बॉल है या फिर चौक है, आप इन सब चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, और एक जगह से एक जगह ले जाने के लिए भी इन्हें ये हम ही करते हैं, हमारे हेल्प से ही किया जा सकता है। सो ये है लिविंग थिंग्स एंड अदर इज नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या क्या है, मैन एनिमल बर्ड फिश प्लांट, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या क्या है, बैट बॉल प्लेट बैग पेंसिल और भी बहुत कुछ है कि नहीं, बहुत सारा चीज़, जैसे कि मैंने चौक कहा है, बैग आप लोग का जो बैग है स्कूल बैग, वो भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है कि नहीं, क्योंकि बैग को तो खाना नहीं चाहिए है कि नहीं, चाहिए कि नहीं, नहीं चाहिए, लेकिन हमें आप सबको, आप लोग भी टाइम टू टाइम खाना खाते हो कि नहीं, क्यों चाहिए, बिकॉज वी नीड फूड टू ग्रो, बढ़ने के लिए चाहिए कि नहीं, आप लोग नहीं खाओगे, नहीं कुछ भी नहीं करोगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे कि नहीं। सो वी ह्यूमन बींग्स, हम सभी ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए, वी नीड फूड है कि नहीं, टू ग्रो, बढ़ने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, आप लोग को समझ में आया, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, यही चीज़ है आप लोग को समझना है, क्योंकि लिविंग है जो है, दे कैन ग्रो, वो इधर से उधर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं कि नहीं, दे कैन ब्रीड, दे कैन रिप्रोड्यूस है कि नहीं। अगेन और नॉन लिविंग थिंग है जो कुछ नहीं कर सकता, उन्हें ग्रो करने का भी जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, वो सब इन्हें, ये जो नॉन लिविंग है, बैट बॉल, ये सब इंसान ने बनाया है कि नहीं, काम और इन सब को, ये सब चीज़ों को क्या है, कुछ ग्रो करने का ज़रूरत नहीं है, दे डोंट नीड फूड एग्जेंट, दे डोंट नीड एनीथिंग टू डू, बट दिस लिविंग थिंग्स दे नीड एवरीथिंग। समझ में आया, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये चीज़ आप लोग अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, और ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब लिख लीजिएगा, ठीक है, थैंक यू।